फॉर रियल कॉन्स्टेंट्स ए एंड बी लेट एम इक्वल टू दिस मैट्रिक्स मैट्रिक्स स्टेटमेंट इज आर ऑलवेज ट्रू तो इस मैट्रिक्स के लिए ये जो स्टेटमेंट दी गई है जो ए और बी में रिलेशन है ये फर्स्ट थ्री का तो आपको बताना है कि कौन सा ट्रू है जो हमेशा ट्रू होगा पर्टिकुलरली ट्रू नहीं ऑलवेज ट्रू साथ ही साथ आपसे ऑप्शन डी में ये पूछा गया है कि एम स्क्र इक्वल टू यानी कि तो अगर हमें A और और का relation पता 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 चल चल जाएगा या A और B की value पता चल जाएगी तो तो वो हम पता कर सकते हैं तो सबसे पहले ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो orthogonal matrix की कुछ फर्स्ट प्रॉपर्टी तो, तो यही होती है कि किसी मैट्रिक्स को जो डेफिनेशन है ऑर्थोगनल तब कहते हैं जब ए ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी इक्वल टू ए ट्रांसपोज हो जाता है साथ साथ ही मैट्रिक्स का जो एर्थॉग्नल होता है वो ऑर्थॉगनल मैट्रिक्स का कांट प्लस माइनस वन होगा या तो वन होगा या माइनस वन होगा इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता है अब डिटर्मिनांट यहाँ पर देख सकते हैं वन या माइनस वन है यानी कि जीरो कभी नहीं पॉसिबल हो सकता है तो आप यहाँ से डायरेक्ट ये भी कॉन्क्लूजन निकाल सकते हैं कि जो ऑर्थोगनल मैट्रिक्स होती है वो नॉन सिंगुलर होती है साथ ही साथ ऑर्थोगनल मैट्रिक्स की ये भी प्रॉपर्टी होती है कि इसको ऑर्थोगनल इसलिए कहा जाता है वेक्टर जा, हैं अगर हम इनको वेक्टर प्रोनाउंस करें तो ये जो वैक्टर है किन्हीं भी दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो जीरो होगा तो इसी प्रॉपर्टी को अगर हम यूज कर लेते हैं तो वन अपॉन रो टू ए प्लस वन अपॉन रूट टू बी इक्वल टू जीरो और साथ ही साथ ये भी यहाँ पर प्रॉपर्टी होल्ड करती है कि जो यहाँ पर वेक्टर है उनका मोड यानी कि मैग्नीट्यूड वन होता है तो यहाँ से तो आप चेक ही कर सकते हैं स्क्वेयर रूट ऑफ वन अपॉन रूट टू प्लस वन अपॉन रूट टू इक्वल टू वन आएगा यहां से इसके लिए क्या रिलेशन हो जाएगा इसके लिए रिलेशन हो जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इक्वल टू वन यहां से ये यह रिलेशन आएगा अगर आप इस वैक्टर का अगर देखते हैं मैग्नीट्यूड तो ये वन के इक्वल होगा तो यहां से अगर हम पूरी इक्वेशन को थ्रू आउट रूट टू से डिवाइड रूट टू से डिवाइड करा देते हैं तो यहाँ से जो रिलेशन होल्ड होता है वो ये होता है ए प्लस बी इक्वल टू जीरो तो अगर यहाँ से मुझे देखने को मिलता है तो ऑप्शन ए ट्रू हो जाता है ए प्लस बी कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है ए और बी पर कि वो कुछ भी हो ये यहाँ पर ट्रू हो गया है तो ये ऑलवेज ट्रू है अब यहां से चेक करते हैं ये हमें क्या इंप्लाई करता है बी स्क्र इक्वल टू यहाँ पर मैं बी के टर्म में निकाल रहा हूँ क्योंकि ये बी के टर्म में कुछ गिवन है बी स्क्र इक्वल टू वन माइनस ए स्क्वेयर तो बी का जो वैल्यू वो होगा प्लस माइनस विद इन स्क्वेयर रूट वन अपॉन ए स्क्वेयर तो यहाँ से जो बी का वैल्यू है वो प्लस माइनस दिस एक्सप्रेशन होगा यानी कि यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव एक्सप्रेशन गिवन है निगेटिव वाला नहीं है तो इसलिए ये आपका ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा और ये आपको ये भी बताता है कि ए प्लस बी इक्वल टू जीरो यानी कि ए एक दूसरे का क्या है एडिटिव इनवर्स है तो इक्वल टू माइनस बी अगर हम यही अगर इस रिलेशन में अगर होल्ड कर देते हैं तो यहां से क्या मिलता है या तो बी इक्वल टू माइनस ए या ए इक्वल टू माइनस बी कुछ भी हम इसमें पुट कर देते हैं तो बी का जो वैल्यू है वो प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ वन माइनस माइनस बी स्क्वेयर और बी स्क्वायर यानी कि पॉजिटिव आ जाएगा यानी कि वन माइनस बी स्क्वेयर प्लस माइनस बी यहां से आपको जो वन माइनस बी स्क्वेयर है वो ये मिल गया है तो आपको अगर दोनों साइड अगर मैं इसका स्क्वायर करा देता हूं तो बी स्क्वेयर इक्वल टू वन माइनस बी स्क्वेयर ये हो जाता है और अगर मैं बी स्क्वेयर को भी इधर ले आता हूँ तो टू बी स्क्वेयर इक्वल टू वन बी स्क्वेयर इक्वल टू हाफ और b इक्वल टू प्लस माइनस हाफ तो अगर मैं b का वैल्यू हाफ लेता हूं तो a का वैल्यू जो आएगा वो निगेटिव हाफ आएगा क्योंकि एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं और अगर मैं निगेटिव लेता हूं तो पॉजिटिव आएगा तो यहां से a और b का ये आ गया है तो आपको ये अगर चेक करना है कि दोनों का प्रोडक्ट अगर एक को पॉजिटिव लूंगा और एक को निगेटिव लेना ही मुझे बाउंडेड हूं मैं तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो सॉरी यहां से स्क्वेयर रूट आएगा तो यहां से भी स्क्र रूट हो जाएगा ये तो इन दोनों का प्रोडक्ट तो निगेटिव में आ जाएगा क्योंकि एक पॉजिटिव एक निगेटिव तो निगेटिव प्रोडक्ट आ जाएगा और वन अपॉन स्क् रूट टू और वन अपॉन स्क् रूट टू यहाँ से हाफ फॉर्म हो जाएगा तो ये वाला जो ऑप्शन सी है वो ट्रू हो जाएगा अब मुझको ए और बी की जो वैल्यूज थी वो मुझको मिल गई हैं तो एम मुझको मैट्रिक्स ये मिल गया वन अपॉन रूट टू वन अपॉन रूट टू और ए की वैल्यू को मैंने लिया पॉजिटिव स्क्वेयर रूट और दूसरे का मुझको लेना होगा निगेटिव तो अब मुझको इसी मैट्रिक्स से चेक करना होगा कि क्या वो फॉर्म कर रहे हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ साइज टू वन अपॉन रूट टू और ये माइनस वन अपॉन इसके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो हाफ प्लस हाफ वन फॉर्म करेगा फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो हाफ माइनस हाफ ये जीरो फॉर्म हो जाएगा ऐसे यहां पर हाफ माइनस हाफ जीरो और यहां से आपका हाफ और प्लस हाफ वन यहां से तो आइडेंटिटी जनरेट हो रहा है लेकिन जब हम इसके वैल्यू चेंज कर देंगे कि ए को हम निगेटिव ले लेंगे और बी को हम पॉजिटिव ले लेंगे तो क्या रिजल्ट फॉर्म होता है उसको देख लेते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो यहां से पहले हमें जीरो मिलेगा तो पहले जीरो मिल रहा है तो इसका मतलब आइडेंटिटी नहीं मिल रहा है यानि कि एक बार हमको मिल रहा है और एक बार नहीं मिल रहा है तो हम ये पर्टिकुलरली तो ट्रू हो जाता है लेकिन ऑलवेज ट्रू नहीं है तो इसलिए ये ऑप्शंस डिस्कार्ड हो जाता है तो हमारे पास यहाँ जो आंसर की होगी इस क्वेश्चन के लिए ये होगी ऑप्शन ए और ऑप्शन सी ये हमारी की होगी